तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ पीयूष। स्वागत है आप सभी लोग का फ्रूट ऑफ क्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि 3x3 क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं इसे स्क्रैम्बल कर देता हूँ। तो गाइस, यार आप देख सकते हैं मैंने इस क्यूब को पूरा बिगाड़ दिया है। तो आप ये पहले समझ लीजिए कि पहले हम लोग वाइट से चालू करते हैं। वाइट मेन होता है, और ये अगर हम लोग बीच का हिलाएंगे, ये हिलेगा नहीं। ये एजेस हिलेंगे, कॉर्नर हिलेंगे, लेकिन बीच का नहीं हिलेगा। तो चलिए, पहले तो हम लोग को प्लस बनाना पड़ता है। 4 एजेस लाने पड़ते हैं। इन्हें इसे एज कहते हैं, इसे कॉर्नर कहते हैं, इसे मिडल कहते हैं। तो पहले हम लोग को एच लाकर प्लस बनाना पड़ेगा। तो एच ढूंढते हैं, यहाँ पर लगेगा। यहाँ वाइट है, यहाँ ऑरेंज है, तो यहाँ वाइट और ऑरेंज लगेगा। तो वाइट और ऑरेंज ढूंढते हैं। ये रहा, वाइट और ऑरेंज यहाँ पर है। तो अगर हमें इसे ऊपर लाना हो, सपोज़ जैसे कि ये यहाँ पर है, ऐसे है, और हमें लाना इसको यहाँ पर है, इसको, तो हम 2 बार इसे अप टर्न करेंगे, ये आराम से ऊपर आ जाएगा। हो गया वाइट वाइट, ऑरेंज ऑरेंज। अगर इस ये यहाँ वैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक टर्न करेंगे, 2 बार ऊपर कर देंगे। तो हमारा ये बन गया। अब हमारा ब्लू, ब्लू देखते हैं, ब्लू भी यहाँ पर है। तो ब्लू को, जैसे कि ब्लू यहाँ पर है, तो हम लोग को यहाँ पर लाना है ब्लू, 2 बार टर्न। हो गया। लोगों को दिक्कत यहाँ पर आती है, जैसे कि ऐसे हो जाता है, जब ब्लू ब्लू से ब्लू मैच नहीं कर रहा होता, वाइट से वाइट मैच कर रहा होता है। तो हम लोग को सिंपल क्या करना होता है, हम लोग ब्लू को इस साइड लाते हैं, इस साइड ले आए। अब हम लोग इस वाले को डाउन कर देंगे। समझ में आया, फिर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर ये ब्लू और वाइट का है, इसे हम लोग को यहाँ पर लाना है। तो अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आएगा नहीं, ये सेम मिलेगा नहीं, ये उल्टा हो गया है। तो इसे उल्टा, उसे सीधा करने के लिए पहले तो हम लोग को इस वाले राइट वाले को 1 बार टर्न करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, 1 बार छोड़ दिया। अब फिर इस बैक वाले को, इसको इस बैक वाले को नीचे करना पड़ेगा, नीचे। अब ये ब्लू, ब्लू से ब्लू को मैच करना है, ब्लू से ब्लू को मैच कर दिया, ये ब्लू ब्लू मैच हो गया, वाइट यहाँ पर। अब इसे टर्न करेंगे 2 बार, अब ये आ गया, बन गया अपना। तो वैसे ही रेड करेंगे, रेड भी यहाँ पर लगा है लेकिन ये उल्टा है, ऐसे ही करेंगे। इसे हम लोग 1 बार साइड में लाएंगे, 1 बार नीचे करेंगे, फिर इससे इसको मिला देंगे, 2 बार अप, प्लस। अब यहाँ पर ग्रीन बचा है, ग्रीन का भी यहाँ पर है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, मुझे बस कुछ करना नहीं है, ऊपर कर देना है, प्लस बन गया अपना। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर लाना है, कॉर्नर। अब कॉर्नर यहाँ पर लगेगा ब्लू रेड वाइट, यहाँ पर लगेगा ग्रीन रेड वाइट, यहाँ पर लगेगा ऑरेंज ग्रीन वाइट, यहाँ पर लगेगा ब्लू ऑरेंज वाइट। तो पहले हम लोग यहाँ से करते हैं रेड ग्रीन वाइट। तो रेड ग्रीन वाइट कॉर्नर ढूंढिए, ये रहा रेड ग्रीन वाइट। इसको हम लोग पहले तो नीचे लाएंगे इसी के, जहाँ पर लगना है, तो इसको यहाँ पर लगना है। अगर हमें दिक्कत यहाँ पर आती है, जब वाइट नीचे होता है, इसे हम लोग ऊपर कैसे लाना है, तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये वाले पे कर लेते हैं, ये कौन सा है, वाइट रेड ब्लू, इसे हम लोग को यहाँ पर लगाना है। तो इसे तो पहले हम लोग टर्न करके नीचे ले आएंगे, नीचे ले आए इसके। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को इसको वापस यहाँ पर कर देना है, इसको नीचे करना है, वापस इधर करना है, ऊपर कर देना है, ये यह हमारा यहाँ लग जाएगा। जैसे कि ये वाला है, इसे यहाँ पर लगाना है, ये इसको यहाँ पर लगाना है, इसको यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर उसे इसे लगाना है, उस वाली उसको नीचे करेंगे और इसे वापस भेज देंगे, वाइट से वाइट मैच हो गया, ऊपर कर दीजिए, बस। अब जैसे कि ये इसको यहीं पर लगना है, लेकिन ये थोड़ा
क्रॉल हो गया है, तो इसे सपोज हम लोग पहले तो नीचे लाएंगे, फिर इसे साइड में कर देंगे, इसे वापस ऊपर कर देंगे जैसे मैंने बताया था। इसको इधर लाएंगे, इधर इसको जहाँ पर लगना है उसे नीचे करेंगे, फिर इसको इसमें मिला देंगे। लाइन बन गई ऊपर, हमारे ये मैच होने चाहिए। जैसे कि ये ब्लू है, ब्लू हो गया, ऑरेंज है, ऑरेंज हो गया, ग्रीन है, ग्रीन का भी एक लाना है, रेड का भी लाना है, तो वो वाला कहाँ गया, ये वाला है। यहाँ पर वापस सेंड करके ऐसे लगा देंगे। हम लोग को दिक्कत यहाँ पर आती है जब ये ऐसे होता है, तो जब ये अगर नीचे की तरफ हो वाइट, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, वाइट को जहाँ पर या इसको कॉर्नर को यहाँ पर लगाना है, इसी के नीचे लाएंगे, इसे नीचे टर्न करेंगे, दो बार इसे घुमा देंगे, अभी ये वाइट ऊपर आ गया। अब फिर इसको जैसे बताया था ऐसे लाएंगे, नीचे करेंगे, वापस लाएंगे, हमारा वाइट का बन गया। ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया है, और ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया है, ब्लू से ब्लू मैच हो गया है, रेड से रेड मैच हो गया है, तो फर्स्ट लेयर तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लेयर पर, ये अपनी सेकेंड लेयर है। तो सेकेंड लेयर पे हम लोग को सिर्फ एज लगाने होते हैं। यहाँ पर ये ऑरेंज ब्लू है, ऑरेंज ब्लू लगेगा, यहाँ पे ब्लू और रेड है, ब्लू रेड लगेगा, रेड ग्रीन है, रेड ग्रीन लगेगा, ग्रीन ऑरेंज है, ऑरेंज ग्रीन लगेगा, ब्लू ऑरेंज है, ब्लू ऑरेंज लगेगा। तो यहाँ पर नीचे है ऑरेंज और ब्लू, तो इसे हम लोग को यहाँ पर लगाना है। तो पहले तो हम लोग ये जो ऊपर कलर होता है इससे इसको मैच करते हैं, इससे इसको लगना यहाँ पर है लेकिन ये नीचे है, इसको पहले इससे मैच करेंगे। ऑरेंज ऑरेंज मैच हो गया, इसे हम लोग लेफ्ट की तरफ टर्न कर देंगे। अब जिस जहाँ पर लगना होता है तो इसे नीचे करेंगे, अब इसे वापस बुला लेंगे। अब इतना हो गया, इतना होने के बाद इसे वापस ऊपर कर देंगे, या ये मैच हो गया, यहाँ पे वाइट है, यहाँ मैच हो गया, इसे जैसे मैंने बताया था वाइट को जैसे ऊपर लगाते हैं आगे बढ़ाएंगे और इसे नीचे लाएंगे, वाइट लगा दिया, लाइन बन गई ऊपर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है, लग चुका है। अब वैसे यहाँ पे करेंगे, ब्लू और रेड का है, ब्लू और रेड कहाँ गया, ये रहा ब्लू और रेड। अब रेड और ब्लू है यहाँ पर, इसे यहाँ लगाना है, रेड और रेड मैच करेंगे पहले, तो रेड और रेड मैच हो गया। अब इसे ब्लू इस साइड है ना, अगर जैसे कि नीचे वाला जिस साइड होता है उसकी अपोजिट साइड घुमाते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्लू है, ब्लू तो इस साइड है, तो हम लोग को घुमाना राइट साइड है, राइट साइड घुमाया, जहाँ पर लगाना है उसे नीचे टर्न करेंगे, नीचे टर्न कर दिया। अब इसे वापस बुलाएंगे, मैंने कैसे बताया था, इसे जैसे वापस बुलाएंगे इसे वापस ऊपर कर देंगे, वापस ऊपर कर दिया। अब जैसे मैंने बताया था वाइट नीचे है, वाइट को जैसे ऊपर लगाया जाता है वैसे लगाएंगे, साइड करेंगे, इसे नीचे करेंगे जहाँ करना है, वाइट वाइट लाइन बन गई ऊपर। तो अब यहाँ पे हम लोग के दो बच्चे हैं, तो हम लोग को प्रॉब्लम ये आती है, जो एज हमें यहाँ पर लगाना होता है वो यहीं पर होता है लेकिन उल्टा होता है। जैसे कि ये वाला एज यहाँ लगेगा, लेकिन हम लोग ऐसे उतारे कैसे यहाँ पर, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। इसको तो पहले नीचे कर लेंगे, जहाँ पर वो लगा है उसको पहले नीचे कर लेंगे। अब इसे टर्न कर देंगे साइड वाला, इसे वापस ऊपर कर लेंगे। अब हमें इसे जहाँ पर ये लगना है, इसको यहाँ पर लगना है ना, तो इसे वापस बुला लेंगे, हमें ऐसे टर्न करना है। तो अब जैसे कि यहाँ सामने सामने है ना, वाइट के पीछे जाएंगे, पीछे आ गए, अब इसे नीचे बुलाएंगे और वापस ले लेंगे, इसको लाइन बन गई ऊपर, ये हमारा नीचे आ गया, ये हमारा नीचे आ गया। अब इसे हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, पहले तो जैसे कि रेड इधर है तो हम लोग को राइट साइड जाना है, रेड लेफ्ट में है तो हमें राइट साइड जाना है, राइट जिस जगह पर लगना है उसे नीचे करेंगे डाउन। अब इसे वापस बुलाएंगे, वापस अब इसे ऊपर कर देंगे ऊपर। अब जैसे मैंने बताया था इसको यहाँ पर लगाना है, वाइट को सामने करेंगे, नीचे करेंगे, डाउन अप, ये हमारा लग चुका। अब ऐसे ही दूसरा लगाते हैं, दूसरा ये रहा, ये ग्रीन ग्रीन मैच कर रहा है, ऑरेंज इस साइड है, ऑरेंज है हमारे राइट साइड, तो हम लोग को टर्न लेफ्ट साइड करना है। नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला जिस साइड होता है उससे उसके अपोजिट हम लोग को राइट टर्न करना होता है। ये ऑरेंज राइट साइड है तो हम लोग को लेफ्ट साइड करना है, जहाँ पर लगना है उसको उसको डाउन करेंगे, इसे वापस बुलाएंगे,
ये इन दोनों, ये इन दोनों लाइनों को ऊपर कर देंगे, फिर इस जैसे मैंने इसको बताया था यहाँ पर लगाते हैं, इसको आगे करेंगे, नीचे करेंगे, इसको ऊपर, अप। हमारी सेकंड लेयर भी पूरी हो गई। अब कर देते हैं क्यूब को उल्टा, क्यूब को उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग को तीन सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है, या तो हमें सिर्फ ये दिखे, या तो हमें सिर्फ ऐसे दिखे, यहाँ पे एक उल्टा एल दिखे, उल्टा एल, ठीक। और एक और सिचुएशन कि हमें एक लाइन दिखे, ये तीनों सिचुएशन होगी तभी हम लोग यहाँ पर प्लस बना पाएंगे। तो पहले तो मैं सही कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक डॉट है, सिर्फ एक डॉट, इसे हम लोग को उल्टा एल बनाना है। तो यहाँ पर एक एल्गोरिदम लगेगी, तो हमें तो पहले करना पड़ेगा, पहले ये समझ लीजिए कि हम आपके सामने वाला इसे फ्रंट कहते हैं, ठीक, इसे फ्रंट कहते हैं। अगर इसको आगे करेंगे तो हम लोग बोलेंगे फ्रंट, अगर इसको बैक करेंगे तो इसे बोलेंगे फ्रंट इनवर्स। ये हमारा राइट साइड है। अगर इसे हम लोग आगे करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे राइट, और अगर इसे हम लोग बैक करेंगे तो बोलेंगे राइट इनवर्स। ये हमारा लेफ्ट है। अगर लेफ्ट को हम लोग आगे करेंगे तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट, बैक करेंगे तो बोलेंगे लेफ्ट इनवर्स। ये हम लोग का बैक है। बैक को अगर आगे बढ़ाएंगे तो बैक बोलेंगे, पीछे करेंगे तो बैक इनवर्स बोलेंगे। ये हमारा डाउन है, इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग डाउन कहेंगे, अगर इसे हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो डाउन इनवर्स कहेंगे। तो सिंपली हमें एक एल्गोरिदम करनी है। फ्रंट पहले एफ एफ लगा दिया, मैं एफ एफ मैंने बोला ना, एफ मतलब फ्रंट, फ्रंट फ्रंट बोला, फ्रंट एक बार आगे जाएगा, फ्रंट राइट, फ्रंट राइट, अप इनवर्स, राइट इनवर्स, अप फ्रंट इनवर्स। ये हमारा बन गया, ये हमारा उल्टा एल बन गया। तो आपको फिर बताता हूँ। आपको बना के दे देता हूँ। ये हमारा प्लस बना दिया, कुछ भी नहीं बिगड़ा मेरा, मैंने यहाँ सिंपली प्लस बना दिया। हाँ, तो हमारा उल्टा एल बन गया था। तो अब हम लोग ऐसे इसे इस सिचुएशन में रखेंगे कि हम लोग का उल्टा एल ऐसे दिखाए, ऐसे दिखे, एक पोर्शन हमारे फ्रंट में हो, एक पोर्शन राइट में हो, ऐसे करना है हम लोग को। फिर वही एल्गोरिदम लगाएंगे, एफ मतलब फ्रंट, फ्रंट फिर राइट, फिर अपर इनवर्स, आर राइट इनवर्स, अपर एफ इनवर्स। ये हमारा हो चुका। अब हमारी लाइन हो गई, लाइन को हम लोग को ऐसे, लाइन है हमारी, हमें लाइन को रखना है ऐसे, तो हम लोग अप वाला आगे कर देंगे। हमारी लाइन ऐसे आ गई, कुछ नहीं बिगड़ा मेरा, हमारी लाइन ऐसे आ गई। आपको क्यूब को नहीं घुमाना है, आपको अपर वाली ये घुमानी है लेयर। तो हम लोग की लाइन सीधी आ गई। तो हम लोग को फिर वही एल्गोरिदम लगानी है, एफ आर यू इनवर्स, आर इनवर्स, यू एफ इनवर्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग का प्लस बन चुका है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारा सिंपली प्लस बन गया है। अब सबसे मेन बात आती है, एक सेकेंड वो सिचुएशन क्रिएट करके बताता हूँ। अब हमारा ये तो हो चुका होता है, हमारी ये बात आती है कि हम लोग को अब सेकेंड पार्ट है एजेस मैच करना। एजेस यहाँ पर येलो ग्रीन होगा, यहाँ पर येलो ऑरेंज होगा, यहाँ पर येलो ब्लू होगा, यहाँ पर येलो रेड होगा, तो ऐसे हम लोग को करना पड़ता है। तो अगर आपका कोई भी एज वो मैच नहीं हो रहा है, आप क्यूब घुमाइए। मेरा जैसे दो एज मैच हो रहे हैं, ये मैच हो रहा है, ऑरेंज मैच हो रहा है, ब्लू मैच हो रहा है। तो
अगर आपका ये होता है तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो आप ये एल्गोरिथम कर सकते हैं। एक सेकेंड, वो सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ। हाँ देखिए, अब मैं चाहे जितना घुमा रहा हूँ, मेरे दो तो मैच होंगे, आपके भी दो मैच होंगे। तो अगर दो ना मैच हो, आपके सामने सामने मैच हो, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए, दो मैच हो रहे हैं आपके अगल बगल में, तो एक को अपने लेफ्ट में रखना है, एक को अपने आगे रखना है। जैसे कि देखिए, ये मेरा क्यूब है, मैंने इसको ऐसे रखा, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक। एक को मैंने लेफ्ट में रखा, एक को मैंने फ्रंट में रखा, ठीक। अब हम लोग को ये एल्गोरिथम करनी है, आर यू टू इनवर्स, मीन्स यू करना है, फिर वन और यू टू इनवर्स, आर इनवर्स यू इनवर्स आर यू इनवर्स, लाइन बन गई, नीचे कर दो। अब हम लोग क्यूब टर्न करेंगे तो हमारे सारे एजेस मैच हो जाएंगे। अब अगर जैसे कुछ लोग को ऐसे प्रॉब्लम होती है, बता रहा हूँ, हाँ सामने सामने वो मैच हो रहा होता है, ऐसे ऐसे नहीं मैच हो रहा होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा सामने सामने मैच हो रहा है, सामने सामने मैच हो रहा है, एक इधर मैच हो रहा है और एक इधर मैच हो रहा है, एक इधर मैच हो रहा है, सामने सामने मैच हो रहा है, लेकिन इस इन दोनों साइड का नहीं हो रहा है। तो हम लोग को वापस वही एल्गोरिदम करनी है, आर यू टू इनवर्स आर यू इनवर्स आर यू इनवर्स, लाइन बन गई, नीचे कर दो। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग का दो तो मैच होंगे, अगल बगल में मैच होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक को लेफ्ट में रखा है, एक को सामने रखना है, वही एल्गोरिदम, आर यू टू इनवर्स आर यू इनवर्स डाउन, लाइन बन गई डाउन। अब हम लोग एच मैच कर लेंगे, एच मैच कर लिया, हम लोग के एच सेम हो गए, तो हम लोग का अब सेकंड पार्ट डन। अब हम लोग को अपने कॉर्नर सही पोजीशन पर लाने हैं, उसके बाद हम लोग का क्यूब हो जाएगा खत्म, सॉल्व। तो पहले तो हम लोग को देखना है कि हमारा कोई एक कॉर्नर सही जगह पर हो, जैसे कि ये मेरा सही जगह पर है, थोड़ा फ्लिप है लेकिन सही जगह पर है। तो अगर आपका नहीं होगा, तो आपको अगर आपका वो कॉर्नर कोई भी सही जगह पर नहीं होगा, तो आपको ये एल्गोरिथम करनी है, एल यू इनवर्स आर यू, लाइन बन गई, नीचे कर दो, वापस लाइन बन गई, नीचे कर दो। अब हम लोग का देखेंगे, इसको एजेस को मैच कर लो। अब हम लोग देखेंगे हमारा एक कॉर्नर सही हो जाएगा। अगर अभी भी आपका नहीं हुआ है, तो आप एक और बार इसे कर सकते हैं, तब आपका हो जाएगा। तो मेरा मेरा तो नहीं हुआ, फिर करना पड़ेगा। तो मेरा तो हो गया, मेरा एक कॉर्नर सही हो गया। अब इस कॉर्नर की वजह से हम ये तीनों कॉर्नर सही करेंगे। अब इससे वही एल्गोरिथम करेंगे, आर यू इनवर्स एल यू, लाइन बन गई, नीचे कर दो, इधर लाइन बन गई, नीचे कर दो। अब हम लोग के आप देखेंगे सारे कॉर्नर सही जगह पर आ जाएंगे, फ्लिप हैं लेकिन सही जगह पर आ जाएंगे। अब इनको सीधे करने के लिए एक और एल्गोरिथम आती है, इसको जब तक करना है जब तक ये अपना सही नहीं हो जाए, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, डी लगाना मत भूलिएगा ना, फिर बाद में ना कहिएगा कि ओ ये हो गया, खराब हो गया। फिर अब ये नीचे आ गया, इसे ऊपर करना है, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, जब तक ये सही ना हो जाए
तब तक हम लोग को ये एल्गोरिथम करती रहना है। तो अब दूसरे की बारी, हमें क्यूब को नहीं टर्न करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्यूब नहीं टर्न होना चाहिए, लेयर टर्न होगी, ऊपर की लेयर सामने आ गई। अब ये खराब है तो इसे सामने ले आए, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, ये भी हमारा सही हो गया। अब एक बचा है, एक वापस लाएंगे, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी। अब तो हमारा सही हो गया, अब हमारा क्यूब हो गया सॉल्व। थैंक यू गाइस, बाय।